सर जो फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएट अ सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस नॉट अ पीपल डिपेंडेंट कई बार क्या होता है कि मैं भी एक कंपनी रन करता हूँ अपनी तो जो भी मेरे इम्प्लॉयज़ हैं जो कुछ भी वो करते हैं कई बार क्या होता है कि सर मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो उस वहाँ से हट मुझे अपना ध्यान जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे और लाने अपनी कंपनी के लिए तो वहाँ पे मैं कैसे काम करूँ कि जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो मतलब पीपल डिपेंडेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे हर एक चीज अपडेट रहे टाइम टू टाइम आपका क्या बिज़नेस है कि सर मेरा जो है? पूरा बिजनेस है वो ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस है तो वहाँ पर जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स फोटोशूट्स होते हैं जितने भी मॉडल्स या पैरल्स आप देखते हो वो सबका फोटोशूट हमारे यहाँ पे होता है तो आप मतलब काफ़ी हद तक हमारी लाइन से रिलेटेड हो गए राइट right? कैसे हम पीपल डिपेंडेंट से हट करके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ड्रिवन बिजनेस को बनाएं क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते आ, आप कुछ एक्चुअल में बड़ा नहीं सोच सकते या बड़ा ये, नहीं ये, कर सकते आपका जो बिजनेस है बेसिकली दैट इज लेस ऑफ अ प्रोडक्ट बिजनेस मोर ऑफ अ सर्विस बिजनेस राइट ये, क्योंकि क्लाइंट्स आपको प्रोडक्ट्स देंगे या आप क्लाइंट्स को एक तरफ से अप्रोच करोगे फिर उसमें से कुछ हाँ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे फिर आप उनके प्रोडक्ट शूट्स करेंगे तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके डिफाइन किया जा सकता है ये पहले स्टेप में यह होता है और फिर उसको असाइन किया जा सकता है पर्सन इस की इसकी है, इस है, इस है तो कहीं पर भी कोई होता है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है तो आप इमीडिएटली जाकर के उस पर्सन को पकड़ सकते हैं और अगर गलती ऐसी है जो किसी पर्सन ने नहीं करी है वो फ्लॉ सिस्टम में है तो आप सिस्टम को चेंज करेंगे ज्यादातर क्या होता है जो इंप्लॉयज होते हैं उनको खुद ही क्लियर नहीं होता कि मुझे इंप्लॉय से क्या चाहिए तो इंप्लॉय बेचारा कितना भी कर दे अपना हंड्रेड परसेंट भी देते वो भी कम पड़ जाता है एंड में क्योंकि yes. तो इंप्लॉयर क्या करेगा उसकी एक कमी को पकड़ करके सारे उसके किए किराए पे पानी फेर देगा वो तरीका गलत है एक सही तरीका क्या है काम को करने का कि आपको पहले कम्युनिकेट करना है कि एग्जैक्टली exactly आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और अगर आप ये जो एक्सपेक्टेड है इससे बेटर करते हो तो दैट मीनस यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस कंपनी अगर जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप उतना भी नहीं करते हो यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन द कंपनी तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपने कन्वर्ट कर दिया राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो राइटिंग में आपने एंड की एक फाइल बनाई बनाई है है या जो बुक उसमें चेंजेस करने हैं लोगों को नहीं बोलना है कि तुम्हारी गलती है तुम्हारा यह है तुम्हारा वो है ऐसा एक प्रोसेस बना देना है कि, कि किसी को बोलने की जरूरत ही ना पड़े जैसे मैंने देखा है यहां पे एक बड़ा एक कॉमन एक कल्चर देखा है इंडिया में यहां पे क्या होता है कि जब कोई लेट आता है ऑफिस में

इसमें एक और बात आप ध्यान रखिए एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जहां पर जा करके हर ऑन्टरप्रेन्योर फंसता है मैं भी फंसा हूं पास्ट में okay. वो क्या होता है कि हम हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल कोई है जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है या कर रही है तो आप क्या चाहेंगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए जैसे आप खुद करते हैं वैसे ही वो करें राइट right? तो एज फार एज योर सुपरवाइजिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कंसर्न दैट इज ओके बट इफ यू आर गेटिंग इनवॉल्व इन देर डे टू डे टास्क देन द प्रॉब्लम इज कि अब वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे जब आप उनके सर पर खड़े हैं तब तो वह काम करेंगे जब नहीं है तो काम नहीं करेंगे तो इट हैज टू बी अगेन आई एम सेट कि वो बेसिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज आपसे क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है अगले एक साल में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड टू देम ताकि उनको क्लियर पता हो कि अच्छा काम मतलब क्या और बुरा काम मतलब क्या ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी को निकालना भी पड़े अपनी कंपनी से तो यू मस्ट गिव अ अ प्रॉपर प्रॉपर रीजन एक्सप्लेनेशन कि बेसिकली ये प्रॉब्लम थी जो यहां पर ये लिखा हुआ था इसकी वजह से हमको एक्शन लेना पड़ रहा है कई बार एक्शन लेने पड़ते हैं yes. जैसे कुछ चीजें हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते अपनी कंपनी में अगर उसको आप टॉलरेट करते हैं तो क्या होगा पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा जैसे बोलते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है फॉर एग्जाम्पल कोई है आपकी कंपनी में जो फीमेल से ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है तो वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इमीडिएटली यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स सो दैट वीमेन फील सेफ एंड सिक्योर इन योर कंपनी या कोई फॉर एग्जाम्पल चोरी करता है आपकी कंपनी में या कोई किसी तरीके से चीजों को बहुत ज्यादा मेनुपुलेट करता है चाहे फाइनेंशियली या अदरवाइज तो यू हैव टू टेक एक्शन पहले उसको वार्निंग दी अगर उसके बाद भी वो नहीं समझा है नहीं समझी है तो यू हैव टू टेक एन एक्शन जैसे जो सड़कें हैं अगर वहां पर कोई भी रूल्स को फॉलो ना करे तो कायदे से एक पनिशमेंट होनी चाहिए अगर कोई रूल्स ही ना हो या रूल्स तो हो नाम के लिए बट उसको कोई सुपरवाइज ना करे या कोई मॉनिटर ना करे तो गन मच जाएगा तो देर मस्ट बी रूल्स एंड देर मस्ट बी प्रॉपर गवर्नेंस इन ऑर्डर टू चेक के उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है अगर रूल्स से इंप्लाइज को प्रॉब्लम है तो सुनो समझो और रूल्स को चेंज करो बट वंस दे से दिस इज फाइन देन दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स सर कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप बता रहे हो कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम कभी भी बाहर होते हैं जैसे हम किसी वेकेशन पे चले जाते हैं कभी हम परेशान होते हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ तो नहीं वो कर सकते हम कहीं बाहर चले जाते हैं जिससे मूड वगैरह फ्रेश हो जाता है तो उस केस में क्या हम एचआर या कोई सीनियर्स को वो पावर दे सकते हैं डिसीजन की कि बाद में ऐसा ना लगे हमें कि यार अगर मैंने उसको बोला कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप सोच समझ के लेना अगर मैं बाहर हूँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है तो आप डिसीजन ले लेना कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कोई क्लाइंट है या कुछ भी है तो बाद में जब मैं आऊँ और मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये आपने गलत कर लिया तो उस केस में क्या करना चाहिए कोई भी डिसीजन जो भी लेने हैं उसका एक एफ बनाते चले जाओ अच्छा बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना एक पर्टिकुलर बिजनेस में आपका जो बिज़नेस है उसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गिनी चुनी आठ दस ही होती है right. वो बार बार आ रही होती है right. तो अगर आपको बिजनेस right. करते हुए मानो पाँच साल हो गए हैं तो आपको पहले ही पता है कि वो पाँच दस प्रॉब्लम क्या है अब hmm. प्रॉब्लम क्या होती है हम अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं hmm. हम चाहते हैं कि कुछ भी हो मेरे से पूछ करके करो yes. वो होना ही नहीं चाहिए तभी तो सिस्टम ड्रिवन होगा कि चाहे बड़ा डिसीजन है चाहे छोटा डिसीजन है अगर ये हुआ तो ये होना है फिर चाहे मैं हूं चाहे आप हो Okay. तो उससे क्या आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा right. बार बार आपको भी नहीं सोचना पड़ेगा राइट right, राइट right. कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि ये चाहिए मुझे या मैं ये चाहता हूँ तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि ये हमें करना है या नहीं करना है ओके okay. ये हमारी विजन में फिट होता है या नहीं होता है अगर नहीं होता है तो आपने इमीजिएटली उसको मना कर दिया उनको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है चाहे कितना भी लॉस हो जाए बिजनेस में ओके दैट यू नीड टू डिफाइन इट वो तो खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा नहीं तो अगर वो बार बार आपसे पूछने लगे तो आप भी पागल हो जाओगे हम भी पागल हो जाएंगे और प्लस जो इंप्लाइज है वो कंफ्यूज हो जाएंगे वो कहेंगे कभी ये ये बोलते हैं कभी वो वो बोलते हैं चक्कर क्या है अब हम क्या करें तो वो क्या करेंगे वो अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे दूसरा उनका आपके ऊपर ट्रस्ट कम हो जाएगा क्योंकि वो कहेंगे कि यार ये अपनी बात के पक्के नहीं है ये बार 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 बात को चेंज करते हैं कभी तो कहते हैं ये नहीं करना है फिर खुद ही हाँ बोल देते हैं जब बड़ा ऑर्डर आ जाता है यानी लालच ज्यादा है तो हाँ और अगर लालच कम है तो ना ये क्या बात हुई Right. No. राइट में, आप मेंस्टमाइज शूट करते, करते हो हमारी कंपनी में हम कस्टमाइज नहीं करते हैं तो अगर कोई क्लाइंट हमारे पास में आएगा और वो कहेगा कि भाई हमारा बजट है 20 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का एक करोड़ रुपए का लेकिन आप ये कस्टमाइज शूट कर दो तो अब चाहे वो मेरे से पूछे चाहे हमारी कंपनी के किसी और इम्प्लॉय से पूछे चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है ना है तो ना है ये क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उनको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है ये राइटिंग में उनके पास में है सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अब जैसे कि मैं अपना दूसरा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जैसे कि मैं अपनी एक नई फॉर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ या वो इसी काम से रिलेटेड हो या वो कोई रेस्टोरेंट हो या कोई अदर स्टूडियो हो तो मैं अपने टाइम को मैनेज कैसे करूँ उस केस में टाइम को मैनेज करने का जो तरीका होता है ना वो ये है कि आपको और लोग चाहिए जो आपसे बेटर हो उस काम को करने में एक्चुअल में ऑन्टरप्रिनरशिप का मतलब यही है यू नीड टू क्रिएट अ टीम विच इज मच बेटर देन यू यू नीड टू एम्पावर पीपल इन सच अ वे कि वो बेसिकली एक छोटे से एस्पेक्ट में स्पेशलाइज हो जाए और वो आपसे लाख गुना बेटर हो जाए yes. और उन सबको मिला करके जो बनेगा ना वो आप सपने में भी ना सोच सके करने का तब आप कह सकते हो कि अब आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो रियल ऑंटरप्रिनरशिप मीन्स टू फाइंड पीपल हुआ अबाउट डूइंग सम और फिर उनको हैंड ओवर कर देना और सिर्फ दूर से एक नजर रखना यानी कि रिपोर्टिंग सिस्टम रखना कि हमें पता हो कि जो हमारी विजन है वो उनके एक्शन से अलाइंट है या नहीं है और पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में दे देना फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक बिजनेस कर रहे हैं अब आपने एक और बिजनेस किया तो उस बिजनेस के कोई और हेड है हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग टीम में से आपको किसी के अंदर वो क्वालिटीज नजर आ रही हो या वो पर्सन उस बिजनेस को हेड करना चाहता है जैसे अभी आपने कहा कि हम फोटोग्राफी का कर रहे हैं हम साथ में हम रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी इसी टीम में से आपको एक पर्सन नजर आए जो बहुत ही सिंसियर है काम को लेकर के और आप उसको बुला करके उससे पूछते हो कि भाई देखो ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ डू यू वॉन्ट टू हेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी तो उसको वहां से हटा दिया उसको वहां पे फिट कर दिया क्योंकि वो भी वही चाहता है तो उसकी जगह पे कोई और नया पर्सन आ गया और सर इसमें कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो मेरे आसपास ही हो राइट right. पर्सन है, hmm. है कोई भी हो कहीं बार डिफरेंट लोग भी ढूंढने की ओपन मैं करा करा करने के लिए या वो करने के लिए अब मैं सोचता हूँ कि किसी और को दू मतलब आप इसके ऊपर काम करो मैं इस टीम में काम करो और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए कुछ हो जाए तो फिर वही अगेन चीजें दिमाग में घूमती रहती है इसीलिए मैंने कहा ना कि बेसिकली आप किसी नए को पूरी तरह से हैंडओवर नहीं कर सकते पुराने के किसी ना किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है क्योंकि उसको पता है कि आपकी विजन क्या है जो इंसान आपके साथ में पिछले पांच साल से है yeah. तो आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि वो इंसान क्या है एट द लेवल ऑफ देयर एक्शंस नॉट वॉट देर द इंटरव्यू क्योंकि आप किसी नए से मिलोगे इंटरव्यू में तो सब कुछ अच्छा ही बोलेंगे right. उनसे पूछो वट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तो वो अपनी वीकनेस को भी ऐसे बताएंगे जैसे कि उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है माई वीकनेस इज दैट आई एम अ वोकहोलिक तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इसको नहीं देखना है कि वो बोल क्या है, इसको देखना है कि वो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में उनकी लीडरशिप qualities अच्छी है या नहीं है एक्चुअल में वो टीम प्लेयर है या नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टीम बनती है ना धीरे धीरे ज्यादातर बिजनेस को ऐसे ही बड़ा किया जाता है अगर वहां पर एक नया सीई भी अपॉइंट किया जाता है किसी दूसरे बिजनेस में तो पुराने में से किसी ना किसी पर्सन को उसको असिस्ट करने के लिए वहां पर भेजा जाता है सो दैट यू नो वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दैट बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कोई नया आदमी आया तो वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है उसकी और आपकी विजन तो अलाइंड ही नहीं है वो अलाइन होने में ही छह महीने या साल लग जाएंगे एंड दर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो बंदा जैसे तीन महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है तो या तो वो खुद छोड़ के चला जाएगा या फिर आपको ही उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं हमारी विजन अलाइन नहीं हो रही तो अब आप जाइए तो अगर वो जाइए तो और कौन है वहां पर संभालने के लिए तो दैट्स वॉट आई एम सेंग टीम ऑफ पीपल विच इज लाइक अ फैमिली तो उसी में से आगे डेलीगेट करना होता है और फिर बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है दोनों में फर्क समझ आया yes. एक है अ पर्सन जिस पे आपको ट्रस्ट है और एक है वो पर्सन जो कैपेबल है जरूरी नहीं है कि जिस पे आपको ट्रस्ट है वो कैपेबल भी हो यस yes. तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कई बार ऑन्टरप्रीन कर देते हैं कि एक पर्सन है वो कैपेबल तो है नहीं उसको ले जाकर के बिठा दिया वहां पे हेड बना दिया अब बाकी के लोग कह रहे हैं कह रहे हैं किसको बिठाया हुआ है इसको अकल तो है नहीं ना इसको कुछ आइडिया है इससे ज्यादा तो हमको पता है तो उसको अपने हेड नहीं बनाया उसको असिस्ट करने के लिए वहां पर बिठा दिया बट हेड कोई और है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है जैसे रेस्टोरों का बिजनेस है तो हेड कौन है जो शेफ है जिसको दस साल का एक्सपीरियंस है वो और शेफ्स को बताएगा ना कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं अब अपनी पुरानी टीम में से अपने कंफर्ट जोन की वजह से आपने कहा कि मेरे को इस पर बड़ा विश्वास है तुम हेड करो अब वो जा करके उनको बता रहा है तुमने ये कर दिया वो वो कर दिया अब इसका टेस्ट अच्छा नहीं है वो कोई सुनेगा ही नहीं उसकी वो कह कहकर कौन है ये क्यों क्यों मेरा सर खा रहा है ये समझ गए तो बंदे ही नहीं टिकेंगे तो लोग नहीं टिकेंगे आपके वहाँ पर कंपनी पे सर वट इज़ द सोर्स ऑफ यूर पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज आई वुट कॉल इट पॉजिटिव एनर्जी आई वुड कॉल इट अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कि बेसिकली ये पॉजिटिव एनर्जी जो वर्ड है ना ये मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है लोग जोड़ देते हैं मेरे नाम के साथ में मोटिवेशनल स्पीकर पॉजिटिव थिंकिंग अब लोग क्वेश्चन ही ऐसे पूछेंगे तो मेरे को जवाब भी वैसे ही देने पड़ेंगे ना क्योंकि yes. तो जैसे सामने से क्वेश्चन आएंगे मुझे उसी लेवल पर आकर के उनसे बात करनी पड़ेगी नहीं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे right. तो अगर कोई पूछेगा हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम तो मुझे शुरू तो वहीं से करना होगा yes. लेकिन अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को ऑब्जर्व करेंगे आई ऑलवेज से लुक एट रियलिटी एज इट इज रियलिटी को समझो रियलिटी में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको समझो और जब समझ लेते हो तो वो प्रॉब्लम डिजोल्व हो जाती है हो जाए। और दूसरा क्या होता है कि हमें खुद अंदर से समझ आ जाता है कि अच्छा इसका आंसर ये है कि मेरा ये बिहेवियर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो लेट मी चेंज माय बिहेवियर नॉट द अदर पर्सन बिहेवियर दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट सेकंड इज एक्सेप्टिंग द पर्सन एज ही और शी इज दैट इज सेकंड थर्ड इज कि अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि अपने मन में कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं जा करके उसको बोला लड़ाई होती है होने दो तो। इससे ज्यादा क्या होगा डरना क्या है डर डर के क्यों जीना है या तो थोड़ी देर की होगी या हो सकता है परमानेंट ही हो जाए रिलेशनशिप खत्म हो जाए होने दो तो। जब होनी ही है एक साल बाद भी दस साल बाद भी तो अभी हो जाए ना तो ऑल आई एम सेइंग इज माइंड पे बैगेज रखने से अच्छा है कि बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे भागो मत उसको पोस्टपोन मत करो उसको सॉल्व करो ताकि आपका जो माइंड है वो फ्री रहे कुछ एक्चुअल में ढंग के काम करने के लिए सर हाउ टू यूज द ब्रेन प्रॉपरली ब्रेन को अपने गोल से रिलेटेड मतलब मेरे दिमाग में हमेशा मेरे गोल से रिलेटेड चीज़ रहनी चाहिए जबकि मैंने आपके सेशन में भी देखा और मैंने जब आपके सेशन में बुक्स जो थी मैंने उनको भी पढ़ा है कि आपके जो भी गोल्स हैं वो आपके सामने ज़रूर होने चाहिए जो कि मेरे ऑफिस में भी मेरे सामने हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे माइंड में रहनी चाहिए वो चीज़ मेरे माइंड में घूमते रहना चाहिए कि मुझे अब ये करना है या ऐसे करना है या वो करना है एंड ऑल देखो इसको ध्यान से समझना बेसिकली ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि ये आपको क्लियर हो पाए आइडियली आपका दिमाग गोल पर फोकस नहीं होना चाहिए काम पर होना चाहिए दोनों में बड़ा फर्क है बहुत बड़ा गोल है जो आपको एक साल बाद या दो साल बाद या चार साल बाद अचीव करना है काम क्या है जो एक्चुअल में आज करना पड़ेगा अभी करना पड़ेगा डेली करना पड़ेगा अगले एक साल तक उसको अचीव करने के लिए तो ध्यान कहां होना चाहिए प्रेजेंट अभी इस पे होना चाहिए गोल बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए सबकॉन्शियस में होना चाहिए अच्छा। या ये कह लो लिख करके हमने कहीं लगा दिया है बट हमारा पूरा जो 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 फोकस है आज पे होना वो अभी पर होना चाहिए। इस पर होना चाहिए चाहिए वो वो अभी अभी पर पर इस हम जो काम कर रहे हैं उस पर होना चाहिए कि उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं लोग कहते हैं कि एंजॉय एवरी मोमेंट हर एक मोमेंट को एंजॉय करो कैसे हमेशा हर हाल में चीजों को एंजॉय करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक प्रॉब्लम की जड़ तक जाना इंपॉर्टेंट है और उसको जड़ से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है और वो कई बार पेनफुल भी होता है तो इंजॉयमेंट कहाँ आया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दांत में एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपने जाकर के एक डेंटिस्ट से डिस्कस किया उन्होंने कहा कि भाई दांत को निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं तो जब निकालोगे तो दर्द होगा ना इंजेक्शन भी लगेगा और वो भी होगा और कुछ दिन तक प्रॉब्लम भी रहेगी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी खानी पड़ेगी तो उसमें एंजॉय क्या है पेन ही पेन है दर्द ही दर्द है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो जिम ज्वाइन करोगे तो वहां पे एंजॉयमेंट कहा है क्योंकि तो जिम एक्चुअल में तो बोरिंग ही है ना बोरिंग है। उसमें इंजॉयमेंट क्या है एक्सेप्शन कुछ लोग हैं जिनको मजा आता है जिम करने में बट ऐसे बहुत कम है उसमें मजा नहीं आता है उसमें बेसिकली क्या होता है दर्द होता है और कई बार बहुत बोरिंग भी होता है दैट इज पेन क्योंकि एक ही सेट को हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं और रिजल्ट आने में अभी एक साल बाकी है तो उसमें मजा कहाँ है वो तो पेन है या अपनी किसी पुरानी आदत को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें मजा कहाँ है उसमें तो दर्द है किसी की डेथ हो गई है उसके बारे में आप सोच रहे हैं या वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मजा कहाँ है उसमें तो दर्द है हम क्या बोलते हैं दर्द नहीं होना चाहिए मुझे तो मजा आना चाहिए मजा नहीं आएगा उसमें यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एज इंजॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ so is pain, as pleasure is a part of life, so is pain. But if that pain in the short term is giving you something big in the long term, then you must choose that pain instead of enjoyment. कुछ भी बदलना पेनफुल होता है कुछ भी क्रिएट करना पेनफुल होता है उसमें मजा थोड़ी आता है बिजनेस शुरू करने में मजा थोड़ी आता है पेनफुल होता है अपना सब कुछ लगा देते हैं उसके बाद में कुछ भी नहीं होता है तो उसमें मजा थोड़ी ना आएगा फेलियर में मजा किसको आता है स्कूल में अगर कोई फेल हो जाएगा उसको मजा आएगा क्या या टॉप करेगा तब मजा आएगा बट सब तो टॉप नहीं कर सकते तो फिर ये सवाल कहाँ से आया कि भाई हम हमेशा खुश कैसे रहें इसका मतलब क्या है कि सब खुश कैसे रहें हमेशा दैट इज नॉट पॉसिबल तो हमें क्या करना है जो रियलिटी है उसको एज इट इज देख लेना है कि अगर दुख हो रहा है तो उस दुख से भागना नहीं है एक्सेप्ट करना है आप उसको एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं उसको ये भी बोल सकते हैं रियलिटी को एज इट इज़ देखना है फॉर एग्जांपल आप एक नदी के इस तरफ खड़े हुए हैं और आप उस नदी में से निकल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है दूसरी तरफ जाने का तो आपको पता है कि वहां पर जो पत्थर है उसकी वजह से पैरों में चोट लगेगी दर्द होगा हो सकता है कट भी जाएगा हो सकता है खून भी आएगा बट अब आपको अपने आप से पूछना है कि उधर जाना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए हो सकता है अभी जहां पर आप खड़े हो वहां पर रोज रोज का टॉर्चर है तो अब आप क्या कहोगे कि इसको पार करने में एक घंटा लगेगा एक घंटे का टॉर्चर है ना नो no प्रॉब्लम देखा जाएगा तो उसमें मजा नहीं आएगा पेन होगा बट यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ मेनी अ टाइम्स सर मैंने आपका एक सेमिनार देखा था जिसमें आपने एक बुक्स का नाम लिया था थिंक एंड ग्रो रिच उसमें सर मैंने भी सुना मैंने भी पढ़ा लेकिन उसमें वो कहते हैं कि आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो या जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम में उसे अचीव करने वाले हो एक अमाउंट होना चाहिए कि आपको एक फिक्स करना चाहिए कि आप जब वहाँ पहुँच जाओ तो आप पर डे या जो भी आपका पर मंथ है आप इतना अर्न करो तो मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट करा था तो आपने ऐसा कुछ करा था बिल्कुल भी नहीं मैंने इनफैक्ट अर्निंग के बारे में कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा प्लान हाँ, किया कि बिजनेस लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए बट ऐसे मैंने कभी भी कोई गोल सेट नहीं करे कि मुझे इतना अर्न करना है उतना करना है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है फर्स्ट आप कितना भी सोच लो अगर एक्चुअल में आपका ध्यान काम पर होगा ना और आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो जो आप कमाओगे वो उससे बहुत ज्यादा होगा जितना आप सोच रहे हो राइट right. ये बात बहुत लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है बट अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जहाँ तक भी मैंने सोचा था मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि अगर इतना हो गया तो बहुत है मैं तो फिर उसके बाद में ना बस मजे आ जाएंगे ये हो हो जाएगा वो जाएगा वो तो तो जितना भी सोचता था उससे आज बहुत आगे हूं, तो अच्छा क्या हुआ कि मैंने फालतू की चीज़ें सोची ही नहीं इसलिए इतना आगे हूं अगर मैं यही सोचता रहता कि मुझे यहां तक जाना है वहां तक जाना है तो मेरी सोच एक लेवल पर जा करके रुक जाती अभी मेरे माइंड में ना कुछ नंबर आ रहे हैं कि अगर मैं यहां तक सोचता था तो मैं मैक्सिमम यहां तक जा करके रुक जाता लेकिन ये सारे बैरियर्स तोड़ करके आज मैं कहीं और ही हूं क्यों क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि क्या होगा कितना होगा बस इशारे में ये बोल सकता हूँ जितना भी सोचा था उससे बहुत बड़ा मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ सर आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अब जैसे कि मैं आया हूँ और और भी लोग क्यू एन ए में आते हैं आपके पास सबके जवाब हैं तो वो कैसे है सर उसके पीछे एक रीजन है ना कि जो भी आप मेरे से अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो सारे ऑन्टरप्रीनरशिप से रिलेटेड हैं अगर आप मेरे से कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछते जो मेरी लाइन से रिलेटेड नहीं है तो मैं बोल देता मेरे पास में जवाब नहीं है अगर आप आकर के मेरे से अभी पूछते कि भाई ये एंट्रेंस है उसको मुझे क्रैक करना है मैं कैसे करूँ तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता जा करके अपने प्रोफेसर से पूछो अपने टीचर से पूछो या ऐसे किसी इंसान से पूछो जिसने वो क्रैक कर लिया है आप मेरे से अभी ऑन्टरप्रीनोरशिप के बारे में पूछ रहे हो मुझे पता है माइंड के बारे में पूछोगे पता है क्यों क्योंकि माइंड तो है ना मेरे पास में ऑन्टरप्रिनोरशिप मैंने करी है तो मुझे एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछोगे मुझे पता है आई बीन इन अ रिलेशनशिप तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछोगे जिससे रिलेटेड मेरे पास में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तब तो मैं बोलूंगा आपको कि मेरे पास में उसका आंसर है बट अगर आप मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसकी मेरे पास में हो सकता है थ्योरेटिकल नॉलेज तो है बट कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो मैं इमीडिएटली वहां पे बोल दूंगा आपको कि मेरे पास में इसका आंसर नहीं है सर मैं आपकी डेली रात को अफामेशन जो सुबह मॉर्निंग की अफामेशन होती हैं वो सुनता हूँ जबकि वो आपने कहा था मैंने आपके सामने सुना था वो आपने अपने लिए रिकॉर्ड करी थी लेकिन वो भी मैं सुबह की भी मॉर्निंग में सुनता हूँ और शाम की भी मॉर्निंग में सुनता हूँ ये लास्ट है शाम की मॉर्निंग में सुनते हो सॉरी सॉरी सो सॉरी जो सुबह की है वो मैं मॉर्निंग में सुनता हूँ और जो रात की आपकी सात मिनट कुछ सेकंड्स की है वो मैं रात को सोने से पहले मेडिटेशन के बाद वो सुनता हूँ तो उसमें कुछ एक लाइने हैं बस लास्ट इसको फिनिश करता हूँ प्लीज आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा देखूंगा ऐसा सुनूंगा ऐसा महसूस करूंगा जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया होगा और मेरा भी मानना यह है कि जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है और सर मेरी जितनी भी थिंकिंग है मेरी जितनी भी मैंटेलिटी है जितना भी मैं इंस्पायर हुआ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ व्यू एंड माई मॉम डैड और इन फ्यूचर में भी मैं जो कुछ भी अचीव करूंगा सर वो जस्ट बिकॉज ऑफ़ व्यू सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच इट वाज माय प्लेजर सर इट वाज माय प्लेजर थैंक यू सो मच सर